चलिए अब एक बड़ी खबर आपको दे दें। डेविड हेडली ने गवाही के दौरान कई अहम खुलासे किए हैं। सरकारी वकील उज्जवल निकम ने जानकारी दी है कि हेडली ने कई संवेदनशील जानकारियां दी हैं। डेविड हेडली ने बताया है कि उसने मुजफ्फराबाद में ट्रेनिंग ली और वो कश्मीर के सेना से लड़ना चाहता था। इसके साथ ही सितंबर और अक्टूबर में भी मुंबई पर हमले की नाकाम कोशिश की गई थी और इस खुलासे के बाद अब भारत पाकिस्तान को मुंबई हमले में नए सबूत सौंपेगा। और देखने वाली बात होगी कि अब पाकिस्तान का इस पर क्या रुख रहता है डेविड हेडली के इन तमाम खुलासों के बाद। डेविड हेडली ने अपने गवाही में कुछ सेंसिटिव रिविलेशन किए हैं। पहला रिविलेशन उसने ये किया कि उसका असल में नाम दाऊद जिलानी था, लेकिन एलएटी में लश्कर-ए-तैयबा ए मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन होने के बाद उसने 2006 में अमेरिका से अपना नाम डेविड कोलमैन हेडली ये चेंज कर दिया। दूसरी बात उसने ये बताई कि लश्कर-ए-तैयबा ये इसने 2002 में ज्वाइन किया था। उसने ये भी बताया कि लश्कर-ए-तैयबा का 2 साल का उसने आर्मी ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन कंप्लीट किया और उसमें उसे AK-47 राइफल बॉम्ब एक्सप्लोजन रेकी करने सिखाया गया था। उसने ये भी बताया कि उसने एक लीडरशिप कोर्स ज्वाइन किया था। उस लीडरशिप कोर्स में यानी जो हाफिज सईद और जकीउर रहमान लखवी ये दोनों आते थे और उन्होंने एक जिहाद के लिए यानी भारत के खिलाफ जंग कैसे करना है, जंग क्यों करना, ये भी आज उसने कोर्ट में बात बताई थी। इससे पहले भी पाकिस्तान कई सबूतों के आधार पर बेनकाब हो चुका है और अब डेविड हेडली के तमाम खुलासों के बाद पाकिस्तान फिर से बेनकाब हुआ है। अब पाकिस्तान का क्या रुख रहेगा जब भारत देश पाकिस्तान को अहम सबूत सौंपेगा, ये जो खुलासे हेडली ने किए हैं।